हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है ये नर्सरी शॉपिंग पे है। अप्रैल मंथ की ये मेरी फर्स्ट शॉपिंग है और इसमें समर प्लांट हैं, काफ़ी सारे परमानेंट हैं और काफ़ी सारे सीजनल भी हैं, वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। आइए मेरे साथ लास्ट तक बने रहे वीडियो। आइए सीधे पहले मैं वहाँ ले चलती हूँ जहाँ से मैं प्लांट खरीदती हुई है, नर्सरी में, ऋषिकेश की सूर्य नर्सरी में। तो आइए मेरे साथ सूर्य नर्सरी में। ये जरबेरा के प्लांट दिखा दें, कितने खूबसूरत है। सारे ही कलर हैं, काफ़ी सारा कलेक्शन है। और अभी रेट मैंने मालूम नहीं किया लेकिन कलेक्शन काफ़ी सारा है। और यहाँ देखें, यहाँ ये मोसरोज है हाइब्रिड वाला, काफ़ी सारे। यहाँ पर ये कोशमोस है, ये भी कई सारे कलर रंगों में है। ये देखिए इधर सूरजमुखी का है और एक ही कलर है यहाँ पे, मुझे तो येलो ही कलर दिखाई दे रहा है। अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो ये कोशिया प्लांट ले सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। और आप मैरी गोल्ड भी पसंद करते हैं तो ये जापरी मैरी गोल्ड, और वो सभी तरह का देखो, इसमें सारे ही कलर हैं, इसमें भी इतने खूबसूरत हैं। उधर आपके गजानिया भी रखे हैं। और मैं आपको देखो एक्जोरा के कलर दिखाती हूँ, वाइट, पिंक, येलो, कई सारे हैं। ये भी रेड में है, कई सारे कलर हैं। और हाइब्रिड वैरायटी में छोटे ही प्लांट पे इसमें फूल आ जाता है तो इसमें भी और यहाँ पर देखना ये बटन गुलाब है, जो बटन रोज होता है, रेड कलर का, बहुत ही प्यारा है। और ये बेल टाइप में है, जैसे बेल होती है इसीलिए इन्होंने ये स्टिक लगा रखी है। और यहाँ आपको अजेलिया भी मिल जाता है, ये देखो पिंक कलर का सुंदर, कई सारे कलर हैं यहाँ पे, ये अजेलिया का। और मधुकामनी तो इन्होंने पता नहीं कितनी जगह रखी होगी, जगह जगह। ये देखो फ्लोवर आ रहा है, ये समर प्लांट होता है, ये भी ये 12 महीने का प्लांट है, परमानेंट प्लांट होता है ये। और आइए अब मैं जो शॉपिंग करके आई हूँ वो अपने प्लांट दिखाने वाली हूँ आपको, एक एक करके, नाम भी और रेट भी। आगे भी खूबसूरत प्लांट देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये देखिए ये परमानेंट प्लांट है और इसका वैज्ञानिक नाम रडार मचेरा साइनिका है, और वैसे इसे चाइना डोल के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह से ये कुछ वाइट और येलो, ये कुछ शेड ऐसा होता है, वैसे वाइट होता है इसमें फ्लोवर, और ये येलो होता है कुछ, और कुछ वाइट होता है, और कुछ ये पिंक जैसा होता है। और इस समय इस पर ये काफ़ी फ्लोवर बने रहते हैं, परमानेंट प्लांट होता है और ग्रीनरी भी काफ़ी देता है। ये ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ इसकी बड़ी सुंदर लगती हैं और ऐसे शाइनिंग वाली पत्तियाँ लगती हैं। इस प्लांट को भी आप ले सकते हो, ये सन लविंग प्लांट होता है, इसे फूल धूप दे सकते हो आप। और एक ये है मेरे पास, इसका नाम है गोल्डन थ्रेलिस, तो ये भी 12 महीने इस पर फूल लगते हैं और 12 महीने का प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। तो ये येलो कलर के इसमें फूल बने रहते हैं, और बट इसमें हाँ खुशबू इसमें इतनी नहीं होती, और लेकिन इस पर जो फूल होते हैं ये इस समय आने शुरू हो जाते हैं मार्च अप्रैल में, और ये गर्मी बरसात पूरे फूल देता रहता है। ये भी अच्छा होता है, इस पर पत्तियाँ कम रहती है, और ये भी फुल सन लविंग प्लांट है, इसको जो है पूरी धूप दे सकते हो। और जब इसमें पानी, तो अब तो गर्मी है तो देना ही पड़ेगा, 2 टाइम पानी देना पड़ेगा। और ये मुझे पड़ा 150 रुपये का। और जेरेनियम भी देखो कई सारी क्वालिटी आती है ये भी, और मेरे पास भी है अलग अलग। और एक ये है, ये वेल वाली है, और इसमें कलर देखो कितना खूबसूरत आया हुआ है, इसमें भी कई सारे कलर थे उनके पास नर्सरी में। और ये वेल वाला है, इसकी थोड़ा सा लीफ भी थोड़ा सा अलग है। और कुछ मैंने ये इम्पेशियंस के खरीदे हैं, ये देखो ये देसी वाला आता है और एक हाइब्रिड आता है, तो ये मैंने 4 खरीदे हैं। एक ये वाला कलर है, इस पर भी जो है फूल 12 महीने बना रहता है, परमानेंट प्लांट होता है, तो और इसमें कलर भी बहुत सारे आते हैं। ये देखो एक ये वाला है, और एक ये वाइट वाला है, और एक ये पिंक में है, ये वाला, और एक ये है पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन। तो इसमें भी बहुत सारे कलर रंगों में आता है, और आजकल ले लो तो ये लगाने में भी बहुत ईजी होता है। इसकी छोटी सी आप डंडी लगा लोगे, इतनी सी भी स्टेम, तो वो भी ईजी टू ग्रो होती है। और आजकल एक प्लांट भी ले आते हैं, इससे सैकड़ों प्लांट तैयार कर लेते हैं।
और अच्छा जो एक्जोरा होता है प्लांट उसमें भी कई सारी वैरायटी में आता है ये प्लांट। और ये देखो ये भी मेरा ये अलग वैरायटी है, ये भी ये बड़ी पत्तियाँ हैं थोड़ा लिप्स, और देखो कितना खूबसूरत है। और सारे इतने सारे इसमें ये गुच्छियों में बने हुए हैं फ्लोवर, और इसमें दो कलर का है, या तो इन्होंने अलग से लगाया हो। ये देखो इसमें ये वाला जो आएगा ये वाइट आएगा, और ये कलर जो है ये कुछ पिंक है। तो ये भी बहुत सुंदर है, इसमें इतने सारे गुच्छे बने हैं, और ये भी परमानेंट प्लांट होता है। इससे में ये भी आए हुए हैं नर्सरी में, और ये भी मुझे 150 का मिला। तो ये देखो ये मैरीगोल्ड के मैं तीन लाई हूँ, एक ये वाला कलर है और एक ये वाला कलर है, तीनों कलर अलग लाई हूँ। ये 20-20 रुपये के पड़े, ज़्यादातर ये 20 रुपये के ही मिलते हैं। और कोसमोस को भी, ये जो कोसमोस प्लांट होता है इसके भी बहुत सुंदर फ्लावर होता है, और ये भी समर प्लांट होता है। तो इस समय इसके भी आ रहे हैं, अप्रैल में शुरू हो जाते हैं फूल, और काफ़ी देखो इसमें बड भी बने हैं, और तीन चार कलर में तो मैंने भी देखे हैं। एक ये कलर है मेरे पास, और एक ये कलर है मेरे पास, और एक ये कलर है, और ये दो कलर तो मैं पहले लाई थी, और एक कलर ये वाला मैं अभी लाई हूँ, और अभी किसी की रिपोर्टिंग नहीं की है। और इस समय जरबेरा के भी काफ़ी प्लांट आए हुए हैं नर्सरी में, और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर है। एक मैं भी लाई हुई हूँ, ये देखो ये कितना खूबसूरत सा कलर है, और इसका कलर तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये रेड भी नहीं है, ये मजेंटा भी नहीं है, कुछ अलग सा कलर है। तो ये भी कितना सुंदर है, ये भी 200 रुपये का मिला है। ये पेंटास का भी लाई हूँ मैं, ये दो कलर तो मेरे पास पहले थे और ये मुझे अच्छे लगे, एक ये कलर और ये कलर, ये मेरे पास पहले ही था, और एक कलर में ये रेड वाला लाई हूँ। तो ये भी परमानेंट प्लांट होता है, इसे भी आप ले सकते हैं, ये मुझे 100 रुपये का मिला। और मेरे पास जीनिया के पहले से दो कलर थे, एक येलो कलर और एक रेड कलर, और एक कलर में और भी लाई हूँ, और ये वाला मजेंटा कलर। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं, ये भी आप बाय कर सकते हैं, ये मात्र 20 रुपये का मिला है। और ये पोर्चुलाका का प्लांट है, इसके भी कई सारे कलर मिलते हैं, और ये परमानेंट प्लांट होता है, जरा सी भी हम डंडी सी छोटी सी स्टेम भी लगा लेते हैं उससे भी ये ईजीली चल जाते हैं। तो ये भी मेरे पास कई सारे कलर हो गए हैं, एक ये वाला कलर है और एक ये वाला कलर है येलो, ये लाइट कलर है, और एक मेरे पास येलो कलर, ये डार्क कलर का है, और एक मेरे पास ये वाइट कलर का, और एक ये हल्का सा पिंक कलर का, बहुत सुंदर कलर है, और एक ये डार्क मजेंटा कलर है। तो मेरे पास लगभग अब सारे ही कलर हो गए, तो इनको भी मैंने 20-20 रुपए में लिए हैं। अच्छा 20-20 रुपए के काफ़ी सारे प्लांट मिल जाते हैं, जैसे ये आपका पोर्चुला का, और आपका ये जीनिया, और आपका ये कॉस्मोस, और एक आपका ये इम्पेशेंस, ये भी 20 रुपए के ही मिले हुए हैं। और एक में ये वाइट कलर का, ये कनेर का लाई हूँ, ये मेरे पास वाइट कलर नहीं था, ये भी मैंने बाय किया है। इस समय कनेर का भी जो है काफ़ी कलर आए हुए हैं, और ये परमानेंट प्लांट होता है, ये भी इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी 150-200 ऐसे मिलता है। और एक ये प्लांट है, ये काफ़ी बूशी प्लांट है, और ये मुरैया का प्लांट है, और इसके और भी नाम है, और इसमें वाइट कलर का काफ़ी सुंदर सा प्लांट आता है, और ये काफ़ी बड़ा सा प्लांट लिया है मैंने। और ये यहाँ पे मैंने पूछा था तो एक भैया से फूल वाले आए थे, तो उन्होंने 650 का बताया था, और मुझे वहाँ से नर्सरी से ये 350 का मिला। और एक ये बोगनवेलिया का भी प्लांट मैंने बाय किया है, ये मेरे पास नहीं था ये वाला कलर, और ये ड्वार्फ वैरायटी में है, और ये सन लविंग प्लांट होते हैं, इनको पूरी धूप चाहिए, और इनकी जो इनको पानी कम लगता है, एक दिन छोड़ के भी अगर हम देते हैं, अगर हमें फूल ज़्यादा चाहिए तो हम इसको एक दिन छोड़ के भी पानी देते हैं, तो इस पर फूल ज़्यादा आता है और पत्ती कम आएगी। अगर हम पानी इसको ज़्यादा देंगे तो पत्ती ज़्यादा आएगी और फूल कम आएगी। अगर फूल ज़्यादा चाहिए तो इसको पानी एक दिन छोड़ के दें, गर्मी में भी, तो इस पर फिर फूल ज़्यादा आता है और पत्ती कम आती है। और ये सन लविंग प्लांट होता है, ये भी मुझे 150 का पड़ा। और एक मैं अपना ये अडीनियम का लाई हूँ, ये प्लांट मेरे पास नहीं था, तो ये वैसे तो बहुत बड़े बड़े कूड़े के थे, ये सबसे छोटा था, तो ये रेट भी काफ़ी रहते हैं इनके, जितना बड़ा ये कूड़े का होता है इनका उतना ही रेट ज़्यादा होता है। मैं रेड कलर का लाई थी, और ये मुझे 200 रुपये का दिया उन्होंने।